मांगने का सबसे बढ़िया तरीका है ये, हे भगवान मेरा चैनल चला देना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ कुश जौहर एंड यू आर वाचिंग ट्रैवल फूडी। तो दोस्तों, आज मेरा दूसरा दिन है रोम में और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का दिन भी। और इनफैक्ट मैं इस समय अभी एक एक्वा रेस्टोरेंट में बैठा हूँ जो कि एक 5 सितारा होटल में है, 5 स्टार शेरेटन प्रॉपर्टी है। और वहीं पे आज मैं लंच करने आया हूँ और आज ट्राई करने वाला हूँ यहीं पे मैं पास्ता, जो कि रोम की ट्रेडिशनल डिश है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, पहले दिन मैंने पूरा कोलोसियम का और सारा टूर किया था, तो उसका मैंने वीडियो बनाया है और वो मैंने पार्ट 1 रखा है। तो अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है और ऊपर आपको आई कार्ड में इन्फॉर्मेशन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, आज का इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है बहुत ही। और मेरे पास आ चुकी हैं मेरी ब्रेड्स और इन्होंने मुझे दे दिया है ओलियो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और बाल्समिक मोदेना का। तो गाइज, पहले हम ब्रेड्स खाते हैं, ऑर्डर हम कर चुके हैं और फिर देखते हैं हमारे पास क्या आता है हमारी टेबल पे। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं ये एपिसोड। कैसे हो पेपे? व्हिच टाइप? दिस इज रोमन, राइट? यस, वी गो पास्ता फ्रॉम रोम। इट हैज व्हाट ऑल इट हैज? दैट चीज एंड पेपर? No, this is a cheese, yes, cashew and cheese and pepper. Okay, with chives and dried tomatoes. मेरे पास पास्ता भी आ चुका है जो कि रोम की पॉपुलर सबसे ट्रेडिशनल डिश है, कैचो दे पेपे। और जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज़ द डिश, इज़ द पास्ता ऑल अबाउट चीज़ एंड पेपर। और अगर आपको पेपर पसंद है, थोड़ा सा स्पाइसीनेस पसंद है, तो आप ज़रूर खाइएगा ये पास्ता। और भाई, पास्ता बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में, तो इसको भी खा के देख लेते हैं कैसा है ये। मैं ज़्यादा इसको डिश को डैमेज नहीं करूँगा, तो मैंने डाल लिए फोक में। और नाइस अल्डेंटे है। अगर आप इटली में आए हैं और पास्ता खा रहे हैं तो आपको हल्का सा लगेगा कि कच्चा है, बन यही इसका एक्चुअली में तरीका होता है कुक करने का। और इसके ऊपर मैं थोड़ी सी अभी ड्रेसिंग वगैरह डालूँगा, पेपर वगैरह, तो थोड़ा और इसमें टेस्ट आ जाएगा। मैं इसको ख़त्म करने वाला हूँ और उसके बाद हम चलेंगे सिटी ट्रेवनी फाउंटेन के पास और वहीं पे हम आगे की फुटेज कवर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अभी मार्केट में वापस। शाम हो चुकी है और वेदर बहुत ही प्यारा है। कल बारिश हो रही थी, आज थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है, हवा बहुत तेज चल रही है, इसलिए हमने फुल इटालियन स्टाइल में जैकेट वैकेट पहन लिया और रेडी हो गए हैं इस व्लॉग को बनाने के लिए। और पास्ता बहुत ही बढ़िया था, हमने लंच किया इनफैक्ट, और बहुत ही बढ़िया पास्ता था जो भी खाया हमने, रिजोटो और पास्ता। और उसके बाद हम सीधा बस पकड़ के यहाँ पर आ गए हैं वापस। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना क्राउड है और शॉपिंग कर रहे हैं सब, लगभग सारे लोग क्रिसमस की। और आइए अब हम चलते हैं फाउंटेन की ओर और मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ वॉकिंग टूर इस स्ट्रीट की। आइए मेरे साथ। तो गाइस देखिए, अगर आपको ऐसे स्ट्रीट वगैरह से पर्स वगैरह लेना है तो 20 यूरो में मिल रहा है सिर्फ। और ये स्ट्रीट है, आपको आप देखेंगे सबसे ज़्यादा क्राउड इसी स्ट्रीट पर इसलिए है इस समय, क्योंकि शाम को जो फाउंटेन है वहाँ पे ज़्यादातर लोग विश वगैरह मांगते हैं और वो एक बहुत ही, जैसे कोलोसियम है वैसे ही वो एक तरह की टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो आएंगे। फैक्ट कल हमने बहुत ही बढ़िया टूर किया था, मज़ा आ गया, तिरामिसू खा के, तो है ना, तिरामिसू वॉज वन ऑफ द बेस्ट आई एवर हैड और पिज़्ज़ा वॉज ऑल्सो ग्रेट। तो आज देखते हैं, पास्ता हम ट्राई कर चुके हैं, आज देखते हैं क्या नया ट्राई कर सकते हैं। हियर वी आर, दिस इज़ द
ट्रेवी फाउंटेन। अगर आपको कोई विश मांगनी है आप यहाँ पे आएँ और एक कॉइन डालें और आपकी विश पूरी हो जाएगी। और ज़्यादातर लोगों की विश यही होती है कि हम दोबारा से रोम वापस आएँ, यही ज़्यादातर यहाँ पे लोग कॉइन डाल के मांगते हैं। आप देख सकते हैं कितना क्राउड है यहाँ पे, लुक एट दैट, एवरीवन इज स्टैंडिंग एंड सारे लोग अपनी विश मांग रहे हैं भाई, अपने अपने विश लेके आए हैं। Isn't it nice? Wow. Guys, यहाँ पे benches बने हैं, you can sit and relax with your loved ones, और बस सामने बैठे हैं और इसी को देख रहे हैं लोग, देखो बैठ के। और हम थोड़ी सी खाली जगह मिली है हमें, हम यहाँ पे शूट कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। मैंने आपको जैसे बताया ये वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और अगर आप आए हैं यहाँ पे तो सिर्फ कोलोसियम और वेटिकन सिटी ही नहीं है, ट्रेवी फाउंटेन भी है, और इसके आसपास काफ़ी बार्स हैं, काफ़ी आपको खाना वाना मिल जाएगा, इटालियन फूड। और आप देख सकते हैं कितना टूरिस्ट है यहाँ पे, फुटफॉल बहुत ही ज़्यादा, और इस समय शाम हो रही है और ये सबसे पीक टाइम है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आता है, इसलिए मैं इस टाइम पे आया हूँ। और रात का नज़ारा बिल्कुल ही अलग है गाइस, बिल्कुल ही अलग है, और लगभग सब लोग सेल्फी ले रहे हैं यहाँ पे, इंस्टाग्राम के लिए स्टोरीज बना रहा है कोई, ट्विटर के लिए बना रहा है कोई, अपने मेमोरीज बना रहा है। तो आप भी ज़रूर आइए और अपने लव्ड वन के साथ, और यहाँ पे ज़रूर अपनी एक पिक खिंचवाना और मेरे साथ शेयर कीजिए, और इनफैक्ट अपने फ्रेंड को टैग करिए जिसके साथ आप आना चाहते हैं रोम। ठीक है, ठीक है, मेरे पास कॉइन है जेरूसलम, आपको पता है जीसस की एक ऐसी जगह मानी जाती है, और आज मैं खड़ा हूँ रोम में, तो भैया इससे बढ़िया दिन क्या हो सकता है। और विश मांगने का सबसे बढ़िया तरीका है ये, तो मैं आपके सामने एक विश मांग ही लेता हूँ, मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपने लिए भी विश मांग लूँ एक, तो दिस इज़ द वे। हे भगवान मेरा चैनल चला देना। तो गाइस यही मैंने विश मांगी है। तो चलते हैं और देखते हैं क्या था, दैट वाज जस्ट अ रूमर फॉर यू गाइस, और आसपास का एरिया घूमते हैं थोड़ा सा। Meat, main course. Baked lamb is good. The dill shank with rice. The rabbit is also nice. Which one? The rabbit. Baked lamb, dill shank, the rabbit is good. Something is in something in chicken. Something in no, chicken. We don't have no chicken. Big lamb or not? The lamb is good. Good. Okay. One we will call order lamb and lamb pasta. Yeah. All at same time. Yes. अभी हम बैठे हैं एक बहुत ही प्यारे रेस्टोरेंट में, वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट जो कि ट्रेवी फाउंटेन के पास में, और वेरी टूरिस्टिक, बहुत ही फेमस है। अगर आप ट्रेवी फाउंटेन आते हैं तो उसके आसपास कहीं पे डाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको यही रेस्टोरेंट रेकमेंड करूँगा। लेकिन हमने यहाँ की बेस्ट दो डिशेज ऑर्डर करी हैं, जो कि है एक लैम्ब और दूसरी है यहाँ का पास्ता जो कि हैंडमेड पास्ता है। तो दोनों हम ट्राई करने वाले हैं, और यहाँ पे कोई कवर चार्ज नहीं है, कोई सर्विस चार्ज नहीं है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे ये एम्प्टी बॉटल्स लगी हुई हैं, तो ये सारी वाइन सर्व हो चुकी है, और उन्होंने ऐसे इनके पास बहुत अच्छी कलेक्शन है। और मैं अभी आपको एक राउंड करा दूँगा इस पूरे रेस्टोरेंट का कि कैसा है अंदर से। गाइस अभी मैं रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हूँ, ऑर्डर मैं कर चुका हूँ, और मैं आपको अभी थोड़ा सा राउंड ले रहा हूँ, स्पेशली मैं बाहर आया हूँ तो दैट जब तक मेरा ऑर्डर रेडी हो जाएगा, टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास, इसलिए जब तक ऑर्डर मेरा टेबल पे आएगा तब तक मैं राउंड ले चुका हूँगा इस पूरे कैफ़े का, और आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कैसा है ये रेस्टोरेंट। और बिल्कुल नेक्स्ट लेन में है ट्रेवी फाउंटेन के, और बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है, और आप देख सकते हैं टूरिस्ट अभी भी आ रहे हैं यहाँ पे, फुटफॉल बहुत ही बढ़िया है। तो आइए चलते हैं और अंदर एंटर करते हैं। So guys, these are the wines you can have. Look, these are the collection. See, it's beautiful. From there, I entered bookshelves and few more wines. Pumpkin.
So guys, once you enter from the door, then there is a few lanes over here. So you can take a first left, it's here. And I'll show you now. This is the restaurant. And it has a bar and cheese over there. I'll just zoom it for you. See? They have a lot of wine collection. If you are really restaurant, everyone sitting around enjoying their drinks. Here you will get the accompaniments, all cheese and everything. Here is one more. Here are the breads. You can order a bread which will cost you around 1.5 euro each person. This is my place where I'm sitting. So, I picture dekh sakte hain aap. Look at this. Well, the pasta looks nice. Homemade pasta with white pork and see. Look at the meat. Lamb. This looks really nice. Bahut tasty wo lamb. Guys, we have already got a lamb. And this looks juicy, look at this. Amazing roast lamb, amazing. Bamboo, a bit parmesan. Let's try this. It's a flat pasta or ragu. Amazing. So guys, लैम काफ़ी बढ़िया है, जूसी है और पास्ता होममेड इज अमेजिंग. टमाटो बेस्ड रागू होता है और वाइट कोक है. तो गाइस अब हम मील इंजॉय करने वाले हैं. इससे पहले ये ठंडा हो जाए, पहले हम ये खाना खाएंगे और फिर बाद में बात करेंगे. अभी हमें जल्दी से भागना है क्योंकि हमें पकड़नी है बस. अगर हम कोच नहीं पकड़ेंगे तो हमें टांका लग जाएगा टैक्सी का. और ये टिकट हमें देनी होती है. दिस इज द बस. हाय, बिफोर टाइम. बिफोर टाइम. तो गाइस फाइनली वी आर बैक इनटू द होटल. और आज की जर्नी बहुत ही मस्त थी, बहुत ही मज़ा आया. और इनफैक्ट लास्ट में जो हमने लैम खाया और पास्ता खाया वाज अमेजिंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड. हम थोड़े से रशअप में थे, जल्दी में थे. जब भी हमने कोशिश करी है आपको ज़्यादा से ज़्यादा फुटेज दिखाने की, और वही क्योंकि ये जिस कोच में हम आए हैं ये निकल जाती तो हमें टैक्सी करके आना पड़ता, इसलिए हमें भाग के आना पड़ा है. और किसी तरह हमें ये बस पकड़नी थी, इसलिए हमें जल्दी जल्दी खाना था. तो गाइस ऐसे ही मेरे को अपना प्यार देते जाइए और लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल जल्दी से और शेयर करिए. और ऐसी बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँगा. कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा. सो अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मुझे सजेशन दीजिए. इफ़ यू वॉन्ट टू से हाई टू मी तो आई एम ऑन इंस्टाग्राम ट्रैवल फूडी के नाम से, तो वहाँ पर मुझे मैसेज करिए, DM करिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर.